गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज आपको एक और ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। ट्यूटोरियल है ना बैकफ्लिप का है। आप सबको पता कि इंटरनेशनल जिमनास्टिक में जो जिमनास्टिक का जो मूव है वो बैकफ्लिप है। तो बैकफ्लिप का आपको मैं बताऊँगा और इसके भी 3 स्टेप ज़्यादा स्टेप क्योंकि मेरा काफ़ी भी ज़्यादा स्टेप जो लोग ना फॉलो नहीं करते उनसे कवर नहीं होते। बेसिक स्टेप उनको 3 बता दो मेन जो होते हैं वो कवर कर लेंगे इतना वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आपको बता जा रहा हूँ कैसे 3 स्टेप को कवर करें। तो गाइस बैकफ्लिप में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो होता है ना हाई जंप होता है। हाई जंप ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम जितने 10-12 बार 20 बार 100 बार जितने भी लगाते हैं लगाओ ये आर्मी लाइन में भी इस्तेमाल होता है। तो जो स्टेप नंबर 1 है ना वो हाई जंप ही हमारा। ये स्टैंड किया बॉडी को यहाँ से ज़्यादा नहीं झुक रहा थोड़ा सा झुक के घुटने चेस्ट पर लगा रहे ये हाई जंप का स्टेप नंबर 1 ठीक है। ऐसे ये तो स्टेप नंबर जो 2 है वो बैक रोल है। बैक रोल ये ठीक है बैक रोल ये फिर से देख लो ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 और 2 को मिक्स करके बता रहे हैं कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1 बताया था हाई जंप। स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था बैक रोल। इसको कॉम्बिनेशन में कब कवर कर ठीक है किसी देखो और स्टेप नंबर जो 3 है ना वो ये है कि आपने जब बैकफ्लिप कर लेनी ना तो आपको जंप है ना हाई होना चाहिए और जो घुटने बैंड ज़्यादा ना हो ऐसे या फिर फिर आपने बैकफ्लिप की ऐसे वो चीज़ आपकी आनी चाहिए ठीक है ना। बैक रोल करके ठीक है बैकफ्लिप की जो पोजीशन है ना यही है भी ज़्यादा बैंड ना हो ठीक है। तो जो बैकफ्लिप जो पहली बार ट्राई करो गिरोगे भी लेकिन बॉडी को गिरने नहीं देना कुछ इस तरह से तो गाइस ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी हो इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो बैल को भी लाजमी प्रेस करना बैल को जो है ना लाजमी। तो मिलते हैं।